बेगूसराय में एक छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का सनीखेज मामला सामने आया है। हालांकि घटना सामने आते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि बलिया थाना क्षेत्र के बड़ी बढ़िया गांव में शुक्रवार की शाम 17 वर्षीय छात्रा जब अपने घर के पास खेत में जा रही थी, तभी उसके रिश्ते के चचेरे भाई ने उसे जबरन खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने उसके सिर पर हसुआ से वार कर घायल कर दिया है। पीड़िता के बयान के आधार पर बलिया थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी चंदन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस पीड़िता और आरोपी को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेज दिया है। इस संबंध में मुख्यालय DSP निशित प्रिया ने बताया कि दुष्कर्म की घटना की प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे मामले का अनुसंधान किया जा रहा है। BT न्यूज बिहार के लिए बेगूसराय से रवि शंकर गन की रिपोर्ट। बलिया में बच्ची के द्वारा अपना आवेदन दिया गया है, जिसमें एक अपने पड़ोसी चंदन कुमार पर दुष्कर्म का बात सामने में आया है। ये अभियुक्त की भी गिरफ्तारी कर ली गई है और पीड़िता और अभियुक्त दोनों का मेडिकल करवाने के लिए अभी भेजा गया है। आगे अनुसंधान किया जा रहा है। पीड़िता के द्वारा अभी बस यह लिख कर दिया गया है कि वो अपने खेत में जा रही थी तो उसके पड़ोसी चंदन कुमार के द्वारा इसको जबरदस्ती पकड़ लिया गया और उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाया गया। तो अभी प्रथम दृष्टया यही बात संज्ञान में आई है। अगर तरह अनुसंधान में अगर कोई बात होगी तो पूछ